विद्यार्थी मैं चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है प्रश्नावली 6.3 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, कौन कौन से युग्म समरूप है उस समरूपता कसौटी को लिखिए तथा साथ ही समरूप संकेत के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे देखिए समरूपता कसौटी और समरूप संकेत में व्यक्त करना है, दो गो समरूपता कसौटी को लिखना है। समरूपता कसौटी जैसे साइड एंगल साइड, यही हुआ समरूपता कसौटी, ठीक है। और समरूप संकेत के रूप में व्यक्त कीजिए, समरूप हुआ जैसे ये त्रिभुज ए बी सी और ये त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। तो इसको क्या बोल रहा है, साथ ही समरूप संकेत के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये समरूप किस तरह हुआ, इस तरह करके, ठीक है। तो ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये हो गया आपका समरूपता कसौटी, साइड एंगल साइड या फिर एंगल एंगल कुछ भी आए, ठीक है। तो ये आपका बना समरूप संकेत और ये बना समरूपता कसौटी। तो आपको ये दोनों आपको दर्शाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है, एंगल ए बी और सी और यहाँ पे एंगल पी क्यू और आर दे दिया है, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी या त्रिभुज पी क्यू आर में सब एंगल दिया है। तो आपको हम बताएं कि जब समरूप आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है, ठीक है, तो ये भुजाएं समान अनुपाती होता है, जैसे समान भुजाएं समान अनुपाती ए बी, ए बी बाई क्या होना चाहिए, पी और क्यू, जब समरूप रहेगा तब, ठीक है, जब समरूप रहेगा तब। अगर ये सर्गांशम रहता, अगर ये त्रिभुज ए बी सी पी की बार अगर सर्गांशम रहता तो ये भुजाएं समानानुपाती के बजाय क्या आ जाता, इक्वल, ए बी बाय ए बी इक्वल टू क्या आ जाता, पी और क्यू। लेकिन यहाँ पे क्या है, समरूपता, यानी कि समरूप समरूप के लाना, इसीलिए ए बी बाय क्या हो जाएगा, पी और क्यू, ठीक है। भुजाएं समान अनुपाती अगर कोण रहे तो कोण हमेशा बराबर होना चाहिए, या तो सर्गांशम या तो फिर समरूप, दोनों में आपका कोण बराबर होना चाहिए, यानी एंगल ए के बराबर एंगल पी, ठीक है। तो समरूप और सर्गांशम के सर समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, तो यहाँ पे एंगल ए, तो पहले आप दीजिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में। अब यहाँ पे देखिए रिलेशन काची का है, रिलेशन कोण का है या फिर भुजा का, तो यहाँ पे देखिए हमको रिलेशन सब कोण का है, हमको भुजा से रिलेशन नहीं, तो हमको यहाँ से कोण से लेके चलना है, यानी एंगल ए है, एंगल ए यहाँ पे कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए 60 डिग्री कहाँ बना रहा है, पी पे, तो एंगल ए के बराबर एंगल पी लीजिए, इक्वल टू दीजिएगा 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ 60 नहीं भी दिए तो भी चलेगा। एंगल बी, एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए बी पे कितना 80 डिग्री, तो यहाँ खोजिए 80 डिग्री कहाँ है, क्यू पे, तो यहाँ लिखिए एंगल क्यू इक्वल टू 80 डिग्री। उसके बाद एक और आ गया, यहाँ दो गो से भी समरूप हो सकता है, ठीक है। तीसरा लिखिए या फिर नहीं लिखिए, एंगल सी बराबर एंगल आर, ये कितना डिग्री, 40 डिग्री। ये नहीं भी रहता तो मेरा भी समरूप हो जाता, क्या लिखते हैं हम, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये काची हुआ संकेत करने के लिए बोल रहा है, समरूप संकेत में व्यक्त कीजिए, तो ये समरूप संकेत में। और क्या बोल रहा था, समरूपता का कसौटी को लीजिए, ये काची काची से हुआ। और एक दे दीजिए जो दिया हुआ है, एंगल सी बराबर एंगल सी के बराबर एंगल क्या दिया हुआ है, आर इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। तो समरूपता का कसौटी लिखिए, काची से हुआ एंगल एंगल एंगल, अगर साइड रहता तो मेरा भुजा होना चाहिए, ठीक है। तो एंगल एंगल एंगल, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन सेकेंड का देखिए, फिर इस तरह लिखिए त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोण का रिलेशन नहीं है, यहाँ पे किसका रिलेशन है, भुजा का। तो आप देखिए भुजा ऐसा ले जो कट जाए, ठीक है। देखिए दो का टेबल में 6 आता है, ठीक है, दो का टेबल में भी 6 आता है, थ्री का टेबल में भी 3 का टेबल, अगर हम दो का टेबल में 6 आता है लेकिन थ्री का टेबल में 4 नहीं आता, ठीक है। अब इसको इस तरह करके हमको नहीं लेना है, टू का टेबल में 4 आता है फिर 3 का टेबल में 6 आता है, और 25 का टेबल में अगर पॉइंट थोड़ा के यहाँ 0 दे तो 25 का टेबल में 50 आ जाएगा, ठीक है। आपको इस तरह करके आपको सजाना है। तो हम क्या लेंगे, ए बी, ए बी, ए बी बाई क्या होना चाहिए, क्यू और आर,
ठीक है, क्योंकि दो का टेबल में फोर भी आता है सिक्स, लेकिन हमको ये लेंगे तो अब थ्री का टेबल में सिक्स कटेगा, ठीक है। तो ए बी का क्या होगा, क्यू आर, ना देखिए क्यू आर इजक्ल टू, फिर यहाँ पे ए सी, देखिए ए सी, तो ए सी का क्या हो जाएगा पी क्यू, पी और क्यू, और ये वो बच गया बी सी, बी सी बाई क्या हो जाएगा पी और आर। अब देखिए सब बराबर होना चाहिए, ठीक है, अगर भुजाएं सब समान अनुपाति में आ गया तो ये समरूप है ना, तो फिर समरूप नहीं होगा। ए बी का मान बैठाइए, ए बी इक्वल टू कितना है टू, और क्यू आर का वैल्यू फोर, ए सी का वैल्यू हो गया थ्री, और पी क्यू का वैल्यू हो गया सिक्स इक्वल टू, बी सी का मान हो गया बी सी 2.5 और पी आर का वैल्यू हो गया फाइव, तो पॉइंट उठा के एक जीरो। उसके बाद देखिए ये सब तीनों का तीनों इक्वल होना चाहिए, तो देखिए इक्वल करते हैं, 2 × 2, 2 × 4, 1/2, यहाँ भी 1/2 आना चाहिए और यहाँ भी 1/2, अगर तीनों जगह इक्वल आ गया तो हम कह सकते हैं क्या मेरा समरूप है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, फिर 25 का टेबल में एक बार है 25 × 2 = 50, देखिए 1/2, 1/2, 1/2, यानी कि भुजाएँ समान अनुपाती हो गया। तो लिखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप में संकेत किए, त्रिभुज पी क्यू आर, और कसौटी के लिख लिए काचे से हुआ साइड 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 से प्रूफ कर दिए, ठीक है। आई होप कि आपको फर्स्ट और सेकंड में समझ में आ गया, नहीं अगर समझ में आए तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन हमारे देखिए थर्ड और फोर्थ में, पहले थर्ड का देखिए, तो त्रिभुज बनाइए एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोण का रिलेशन नहीं, केवल भुजा का ही रिलेशन है। तो लीजिए देखिए 2.7, 27 का टेबल से कोई नहीं लीजिए, पहले आप लीजिए एम सी, यानी 2 का टेबल में 4 और 6 काटता है, ठीक है, ये भी हो जाएगा और ये भी। देखिए यहाँ पे अगर 2 का टेबल में अगर हम 6 लेते हैं तो फिर 3 का टेबल में 4 नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 का टेबल हम इससे रखेंगे और 2 का टेबल में नहीं हम 4 रख देंगे और 3 के टेबल से हम 6 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ लीजिए त्रिभुज एल एम और त्रिभुज डी ई एफ में एम पी, एम पी, तो एम पी 2 का टेबल किससे विभाजित हो रहा था 4 से, तो 4 में क्या है त्रिभुज भुजाएं क्या डी और ई, तो अनुपात में आ जाएगा डी और ई इक्वल टू। उसके बाद एल पी, एल पी, एल पी का क्या आएगा डी एफ, डी एफ, यहाँ पे ई था ना, यहाँ ई रखिए। उसके बाद फिर एल एम, एल एम का क्या बनेगा, एक बज गया था ई और एफ, तो देखिए एम पी का मान हो गया आपका 2 और डी ई का वैल्यू हो गया 4 इक्वल टू, एल पी का वैल्यू हो गया 3 और डी एफ का मान हो गया 6 इक्वल टू एल एम 2.7 और ई से एफ कितना हो गया आपका 5। यहाँ पे देखिए 2 × 2, 2 × 2 = 4, 3 × 3, 3 × 2 = 6, लेकिन पॉइंट आ गई 27 का टेबल कभी 50 आएगा ई डज नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो भुजाएं समानानुपाती नहीं हुआ, तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज एल एम पी डज नॉट समरूप त्रिभुज डी ई एफ है, ठीक है, ये समरूप नहीं, तो आपको उसका छोटे लिखने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ का देखिए लिखिए त्रिभुज एम एन एल और त्रिभुज पी क्यू आर में, यहाँ देखिए एक कोण का रिलेशन है, बाकी दो वो भुजा से रिलेशन है, तो कोण हमेशा क्या होता है बराबर, तो यहाँ लीजिए एम, एम बराबर क्या हो जाएगा एंगल क्यू, एम बराबर एंगल क्यू इक्वल टू 70 डिग्री। उसके बाद एम एन, एम एन, एम एन, तो इसका भुजा कौन बनेगा, ये 5 ले लीजिए, एम एन का पी और क्यू इक्वल टू एम एल, एम एल का क्यू से आर। उसके बाद एम एन का मान बैठा दीजिए एम एम एन, एम एन हो गया 2.5 और पी क्यू का वैल्यू 5, पॉइंट उड़ा के 0 इक्वल टू एम एल का 5 और क्यू आर का वैल्यू 10,
तो 25 का 25, 25 दूनी 50, 5 का 5, 5 दूनी 10, यहाँ पे 1/2 1, यानी ये दोनों भुजाएं समानुपाती में है और ये कोण बराबर तो ये मेरा समरूप हो जाएगा। त्रिभुज एम एल एन है ना, त्रिभुज एम एन एल और समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, और कसौटी लिखिए समरूपता कसौटी क्या हुआ। अब यहाँ पे देखिए दो को भुजा है, एक भुजा और एक भुजा, ठीक है, और एंगल, तो आप एंगल साइड साइड नहीं लिख सकते, ठीक है, एंगल साइड साइड या तो फिर साइड साइड एंगल नहीं लिखने का अधिकार है। आप क्या लिखेगा, बीच में हमेशा कोण होना चाहिए, यानी कि साइड एंगल साइड, ये लिखने का आपको अधिकार है, ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया, ये आंसर आपका है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5th और 6th में, फिर यहाँ लिखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज में एक कोण दो भुजा, इसमें भी एक कोण दो भुजा का आपका दिया हुआ है, ठीक है, तो एंगल ए के बराबर यहाँ भी ऐसे यहाँ भी ऐसे, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए के बराबर एंगल एफ इक्वल टू 80 डिग्री। अब दो भुजा किस प्रकार लेना है, देखिए 25 का टेबल में 50 आ जाएगा पॉइंट उड़ा के, यानी ए बी बराबर, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर डी एफ, नहीं ए बी भुजाएँ समानुपाती होना चाहिए, ए बी बाई डी एफ इक्वल टू बी सी, बी सी बाई ई और एफ, ई एफ, यहाँ पे देखिए ए बी का वैल्यू हो गया 2.5 और डी एफ का वैल्यू 5 इक्वल टू बी सी का वैल्यू 3 और ई एफ का वैल्यू ई से एफ 6, तो पॉइंट आगे 0, 25 का 25, 25 दुनी 50, 3 का 3, 3 दुनी 6, 1/2 1/2 ये वाई, ठीक है, और यहाँ पे एक भुजा और एक दो भुजा और एक कोण, तो लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। अब इसको कसौटी लिख दिए, समरूपता कसौटी क्या आया, यानी दो भुजा और एक कोण, तो लिखने का तरीका क्या है, एंगल सॉरी साइड एंगल साइड से आंसर हो गया। अब 6 का देखिए, फिर इसमें लिखिए त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज पी क्यू आर में, हाँ अब यहाँ पे देखिए दो को यहाँ से कौन से रिलेशन है, भुजा तो कहीं दिया हुआ नहीं, यहाँ भी देखिए कौन है यहाँ, जबकि एक कोण छोड़ दिया गया, ठीक है, हम बताएं दो कोण से भी हो जाता जब इक्वल रहता तब, यहाँ 80 यहाँ भी 80, ठीक है, यहाँ 70 है यहाँ जबकि 30 है, बराबर नहीं, तो त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है 80 यहाँ 70, तो यहाँ पर 180 होने के लिए कितना चाहिए 30 डिग्री, और यहाँ 80 यहाँ 30 दिया, तो ये 180 होने के लिए यहाँ पर कितना चाहिए आपका, यानी कि आपका 70 डिग्री चाहिए, ठीक है, तो यहाँ लिखिए एंगल ई बराबर, एंगल ई बराबर देखिए 80 कहाँ बना रहा है क्यू पे, एंगल ई बराबर एंगल क्यू इक्वल टू 80 डिग्री, उसके बाद डी, एंगल डी बराबर एंगल पी कितना डिग्री 70 डिग्री, और एंगल एफ के बराबर एंगल आर इक्वल टू कितना 30 डिग्री, ये दो को से भी हो सकता था एंगल एंगल से, ठीक है, तीन को भी कर दिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए त्रिभुज डी ई एफ संकेत लिखिए समरूप का त्रिभुज पी क्यू आर, काची हुआ कसौटी का हो गया समरूपता कसौटी, एंगल 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 से, ठीक है, जबकि आपके आंसर में दो ही को है, ठीक है, तीन को दे दिए बस ये गलत हो गया आपका, आप दो को भी कर सकते हैं और तीन को भी कर सकते हैं, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये सारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, आकृति में डी ओ डी सी, ओ डी सी ये ओ का मान जहाँ पे प्रतिच्छेद करता है वहाँ का वैल्यू होता है, ठीक है, ओ डी सी, ओ डी सी और समरूप त्रिभुज क्या दिया ओ बी ए, ओ बी ए यानी ये दोनों क्या है समरूप है, ठीक है, उसके बाद बी ओ सी, बी ओ सी बी ओ सी 125 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ का लेके यहाँ तक का वैल्यू यानी ये जो कोण जो है 125 डिग्री दिया है, और सी डी ओ, सी डी ओ, सी डी ओ का वैल्यू आपका 25 डिग्री है, तो ज्ञात कीजिए डी ओ सी कहाँ है, डी ओ सी, डी ओ सी, डी ओ सी यानी ये कोण ज्ञात करना आपको,
हाँ उसके बाद डी सी ओ, डी सी ओ ये कोण फिर ज्ञात करना आपको। उसके बाद ओ ए बी, ओ ए बी ये कोण फिर ज्ञात करना, ठीक है। तो पहले देखिए आप ये कोण ज्ञात कीजिए, रेखा पे बनाइए, ये एक रेखा पे, एक रेखा पे जितना भी कोण बने, एक कोण, दो कोण चाहे तीन कोण, सबका कोणों का योग होता है 180 डिग्री, लेकिन ये एक रेखा पे दो कोण बना रहा, देखिए एक कोण ये साइड, एक कोण ये साइड। तो ये पहले यहाँ पे लिखिए रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म में क्या 125 डिग्री प्लस यहाँ पे कौन सा कोण बना रहा, एंगल डी ओ सी इक्वल टू के डिग्री बनता है 180 डिग्री, हमेशा रेखा पे, एक रेखा पे 180 डिग्री कोण बनाता है। तो आपको याद करना है क्या, डी ओ सी इक्वल टू 180 प्लस से माइनस 125 डिग्री, ठीक है। तो 180 में से 125 जाएगा कितना बचेगा, 55 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पता चल गया कितना 55 डिग्री हो गया, ठीक है। ये आपका कितना डिग्री हो गया, ये 55 डिग्री हो गया। तो एक त्रिभुज में तीनों कोण का योग अभी बताए थे, एक त्रिभुज में तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ लिखिए त्रिभुज डी ओ, डी ओ सी, त्रिभुज डी ओ सी के तीनों कोण के योग से, ठीक है, डी ओ सी के तीनों कोण के योग से। अब आ जाइए जोड़ दिए यहाँ पे 70 डिग्री प्लस 55 डिग्री अब प्लस ये कोण का मान क्या है, तो डी सी ओ, यानी कि एंगल डी सी ओ इक्वल टू तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री, ये दोनों को जोड़ दिए कितना हो जाएगा 125 अब प्लस एंगल डी सी ओ इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी सी ओ इक्वल टू 180 प्लस से माइनस 125 डिग्री, ठीक है। तो 180 से 25 गया तो 55 डिग्री आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब बच गया एक कोण और, ये ओ ए बी, ओ ए बी अभी दोनों क्या है, समानांतर है, तो एक रेखा इंटरसेक्ट करेगा यानी प्रतिच्छेद करेगा, तो ये कोण का ये कोण बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखिए एंगल ए के बराबर एंगल सी, कहाँ से ए एल टी, एकांतर अंताकोण से, ठीक है, एकांतर अंताकोण से। उसके बाद देखिए एंगल ए, एंगल ए तो आपको ज्ञात करना है, एंगल सी का वैल्यू कितना बना था, एंगल सी यहाँ निकाले एंगल सी ने, सी बना कितना 55 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है।